संख्या को लेकर आप हमेशा जातिगत गणित, वोटों का गणित, समाज में जो है कितने लोग हमारे हैं, कितने उसके हैं, इस गणित से आप कभी भी क्या नाम है सफल नहीं होंगे। हर हाल में उन्हीं तक पहुंचना होगा, उन्हीं तक ही पहुंचना होगा जिसके बारे में आप बैठ के किसी भी जो है सामाजिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर आप बात करते हो ओबीसी समाज की। आप जब आपने प्रश्न किया है तो तभी मैं उस समाज का नाम भी लेना चाह रहा हूँ। जो गठबंधन होता है वो कब होता है? गठबंधन तब होता है कि मुझे मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, मैं हर हाल में कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ। अब उसको बनने के लिए, उसको बनाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जो राजनेता हैं या पार्टियाँ हैं वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए वो यही है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। राजनीति के अपने अलग उद्देश्य, उसके अलग लक्ष्य हैं। आप धर्म के क्षेत्र में तो आपका केवल इतना काम होना चाहिए कि आप धर्म का प्रचार करो। धर्म कहता है कोई भी धर्म हो, धर्म तो वास्तव में ये कहता है कि समाज में यूनिटी हो, एकता हो, समानता हो और हिंसा ना हो। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मदन ओम राय। आप इस बौद्ध महासम्मेलन में आए, क्या लगता है आपको इस तरह का प्रोग्राम वाकई एक बदलाव लाएगा और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार कर रहा है सरकार और बीजेपी के तमाम लीडर्स, अब ऐसे में ये बौद्ध सम्मेलन हुआ है तो जरूर खलबली मचनी लाजमी है? देखिए, मैं इसको खलबली के माध्यम से नहीं देख रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आपका जो उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, उसमें आप कितने सफल होते हैं। अगर बात बौद्धों की, बुद्धिस्टों की जाए तो मैं देखता हूँ कि केवल मात्र जो है सामूहिक कार्यक्रम करने से और एक भीड़ इकट्ठा करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। कार्यक्रम होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, जागरूकता जरूरी है, लेकिन अब जो मैंने जिस तरह देखा है तो जो जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन यानी कि जिसमें कि एक नाम आ रहा है, तो यहाँ भी मैंने मंच पर देखा कि उसको जो है एक राजनीति से जोड़ के ही सारी बातें की गई, जबकि उद्देश्य ये होना चाहिए था। यहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य विचारधारा ये होनी चाहिए थी कि इस पर चिंतन किया जाए कि आखिर जो है हमारा समाज, बहुजन समाज, बुद्ध की ओर क्यों नहीं जा रहा है। चिंतन की नजर आई आपको? बिल्कुल। क्या लगता, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण कुछ अगर पता? देखिए, जो होना चाहिए था उसे तो होने में भी समय लगेगा, लेकिन होना क्या चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूँ। होना ये चाहिए कि जो राजनीतिक क्षेत्र है और धार्मिक क्षेत्र है, इसमें जो है दो अलग अलग टीमें काम करें। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे प्रसारक हैं, बनते हैं, सब हैं, इनकी टीम बना के देखिए सर, जो एक दर्शन का क्षेत्र होता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। आज धर्म भी बिक रहा है। अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की बात करते तो आप देखिएगा, अगर उनका एक नियम है कि वो गाय को लेकर चल देते हैं, भिक्षा मांगने चल देते हैं, कोई शनिवार वाले दिन आ रहा है, कोई मंगलवार दिन आ रहा है, वो क्या है? हम उस जो हमारा समाज है उसको दूसरे तरीके से ले रहा है। वो कहते हैं कि पाखंडवाद है, मैं भी कहता हूँ पाखंडवाद है, लेकिन एक बात देखिएगा कि वो पाखंडवाद मजबूत क्यों है, क्योंकि वो समाज के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़रूरत ये है कि जो गौतम बुद्ध ने और बाकी तमाम उनके शिष्यों ने इतने पूरे विश्व के अंदर जो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार हुआ, जो स्थापित हुआ, वो घर बैठ कर नहीं हुआ। उनके तमाम उपासक, तमाम जो उनके मतलब उनको शिष्य हम कहेंगे, वो तमाम क्षेत्रों में घूमते थे, जाते थे, शाम को आके उसका जो है फिर उस पर चिंतन करते थे, गौतम बुद्ध से भी चिंतन करते थे, तथागत उन्हें समझाते थे, आलोचना भी सहते थे, लेकिन वो जाते थे। लेकिन आज ये काम हो नहीं पा रहा। देखिए, ये काम सामूहिक रूप से कभी भी किसी भी मंच के नीचे नहीं होगा। ये तो केवल एक राजनीतिक राजनीतिक स्टंट बोल सकते हैं। जब आप जो है समाज के बीच में जाके एक इस तरह का मेला लगाओगे, अगर आपको लोग शांति से सुन भी नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब जो है कि आप कम से कम 50% असफल तो नहीं हो जाते हो। तो इसका बुराई क्या है इसमें? जब राजनीति का धर्म में इस्तेमाल हो ही रहा है, तो अगर यहाँ भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, राजनीति का धर्म में इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल। धर्म जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले तो देश के लिए यही हानिकारक है। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए वो यही है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। राजनीति के अपने अलग उद्देश्य हैं, उसके अलग लक्ष्य हैं, नेताओं के अलग लक्ष्य हैं। जो धर्म के क्षेत्र में जितने भी जो है धार्मिक लोग हैं, धार्मिक चाहे वो छोटे पद पर कर्मचारी या जो भी इसका जो अपना अपना दायरा है, उनका सबका ये है कि भाई आप धर्म के क्षेत्र में तो आपका केवल इतना काम होना चाहिए कि आप धर्म का प्रचार करो और सामाजिक
धर्म कहता है, कोई भी धर्म हो, धर्म तो वास्तव में ये कहता है कि समाज में यूनिटी हो, एकता हो, समानता हो और हिंसा ना हो, अहिंसक हो सब लोग, आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। और धर्म का किसी पे भी जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है धर्म। संविधान में सबको अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बिल्कुल पूरी तरह से आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का जो आपको प्लान तैयार करना है उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े चिंतकों को लेकर उस पर आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उन बिंदुओं पर भी आपको नज़र डालनी पड़ेगी कि आखिरकार हम इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये 23 जिलों का लगभग कार्यक्रम हो रहा है, 23 जिलों का। अगर मैं इस बात को कहूं कि क्या नाम है 23 जिलों के कार्यक्रम में, तो मेरा मानना यह था कि जितने महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हुई थी, ये यहाँ तो आसपास में हो रहे दौरे, तो मतलब क्या जो नज़दीकी जो एरिया है तो फुल हो जाना चाहिए था। आप यहाँ खुद अभी एक बार जो है आप देख सकते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या नाम है जो है कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहा, लेकिन जो कार्यक्रम का उद्देश्य था उसको ये पूरी तरह मतलब जो समाज में संदेश पहुँचाने में जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब बहुजनों को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, देखिए तमाम पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं आपस में ही मतभेद है, बहुजनों के अंदर मतभेद है। देखिए, महत्वाकांक्षा एक ऐसा शब्द है कि ये प्रत्येक व्यक्ति में होनी तो जरूरी है, लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा निजी स्वार्थ के लिए हो जाती है तो बंटवारा शुरू हो जाता है समाज के अंदर। समाज में होता है तो राजनीति में होता है, राजनीति में होता है तो राजनेताओं में होता है। जब गठबंधन, एक जो वर्ड है, वो जो गठबंधन होता है वो कब होता है? गठबंधन तब होता है कि मुझे मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, मैं हर हाल में कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ। अब उसको बनने के लिए, उसको बनाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जो राजनेता हैं या पार्टियां हैं वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो इसमें बिल्कुल आप इस बात को मानकर चलिएगा कि आपको कहीं ना कहीं अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो बहुजनों के ऊपर राजनीति का मामला है, देखिए, जो माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज को जो कॉन्सेप्ट लेकर जो इकट्ठा किया था, उसमें से वास्तव में जो रियल में 52% जिसकी हम बात करते हैं, जो आज लगभग हमसे छिटक चुका है, उस संख्या को आप यहाँ ला कर बिठा दीजिएगा, चाहे किसी भी माध्यम से बिठा दीजिए, तो आपसे ज़्यादा ताकतवर बहुजन जो एक संख्या को लेकर आप हमेशा जातिगत गणित, वोटों का गणित, समाज में जो है कितने लोग हमारे हैं, कितने उसके हैं, इस गणित से आप कभी भी क्या नाम है सफल नहीं होंगे। आपको हर हाल में उन्हीं तक पहुँचना होगा, उन्हीं तक ही पहुँचना होगा जिसके बारे में आप बैठ के किसी भी जो है सामाजिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर आप बात करते हो ओबीसी समाज की। आप जब आपने प्रश्न किया है तो तभी मैं उस समाज का नाम भी लेना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि इस मंच पर कितने ओबीसी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इस संख्या में जो संख्या यहाँ मौजूद थी दलित जाटव समाज से अलग हटकर कितनी संख्या यहाँ पर आई हुई है? तो एक बंटवारा तो यही हो गया कि जाटव समाज रह गया, ठीक है। अब अकेला समाज क्या करेगा? ये तो प्रयास रहता है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर आए हैं। मतलब ये है कि इस तरह के सम्मेलनों में केवल जो SC ST समाज है वही सिमट कर रह जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी रह रही है। कारण क्या है इसका? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा जो सुमित रतन है, भंते सुमित रतन, वे खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो मैं तो एक प्रश्न जो है आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर वो ओबीसी समाज से आते हैं, 23 जिलों के कार्यक्रम होने के बाद में यहाँ पे ओबीसी समाज की संख्या कितनी है? मैं जाटव समाज से हूँ, और तमाम यहाँ पर आप जब देखोगे तो सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाटव समाज से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इनको इकट्ठा करके लाया हूँ, मेरा समर्पण है, मैं बाबा साहब में जो है संविधान में आस्था रखता हूँ। क्यों कतरा रहा है मतलब बहुत सम्मेलन, जबकि विरासत है उनकी, उन्हीं का ये सब अगर देखा जाए तो वहीं से निकल कर ये आया है। देखिए, मैंने अभी पहले कहा था, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि आप जो है अब वो समय आपके पास में नहीं बचा है, आपको वापस पुरानी वाली जो है एक रणनीति अपनानी पड़ेगी, आपको उन लोगों के घर तक पहुंचना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो एक पाखंडवाद के खिलाफ में, जो पाखंडवाद अलग चीज़ है, जो आप दूसरे धर्म पर जो वार कर रहे हो ना, दूसरे धर्म पर जो वार कर, जो उनकी आस्था पर वार कर रहे हो, आप उसको आस्था से इस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, आपको उसका लॉस बताना पड़ेगा कि आपको क्या लॉस है और आप उनको क्या दे रहे हैं, उसका लाभ बताना पड़ेगा। अब आप अगर इसका इसका बैलेंस बनाने में सफल हो जाते हैं तो वो आपके साथ में आ जाएंगे। कैडर की जरूरत है, भाई कैडर तो होना चाहिए, और वो कैडर लगभग खत्म हो चुका है। सबकी अपनी अपनी भीड़ है, सबकी अपनी अपनी लोबी है, तो जो लोबियाँ काम कर रही है, लोबियाँ भी तो अपने अपने लिए काम कर रही है ना। लोबी का अब एकजुटता की बात करने का तात्पर्य ये था कि अगर हमारा कोई धार्मिक कार्यक्रम है, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है, तो जो बौद्ध धर्म मास्टर रखेगा वो आएगा। भाई 22 प्रतिज्ञाओं में मैं शामिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं ये मेरी जो है हो सकता कमी हो, या मुझे ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं अभी जो है
क्योंकि जो 22 प्रतिज्ञा लेने का जो मामला है, मैं इसका पूरी तरीके से मतलब जो है ऐसा समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे पहले अपने अंदर का जो ज्ञान है मुझे पढ़ना पड़ेगा, या मुझे जो है जो सामने वाले जो 22 प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, वो 22 प्रतिज्ञा दिलवाने वाले मुझे इस बात से आश्वस्त करें कि भाई मैं 22 प्रतिज्ञा क्यों लूँ, आखिर क्यों लेनी चाहिए मुझे, केवल इस वजह से कि वो लिखी गई है। मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, लेकिन मैं आपके कहने से 22 प्रतिज्ञा ग्रहण क्यों करूँ। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।